हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की रेमेडी जो है वो बालों के लिए है। फेस के ऊपर जो अनवांटेड हेयर बहुत आ जाते हैं, बहुत समस्या हमें देते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने फेस के इन अनचाहे अनवांटेड हेयर को रिमूव करें। हम बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, सीटिंग्स लेते हैं, पार्लर जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो इतनी सीटिंग लेने के बाद भी हम पैसा ही बर्बाद करते हैं और हमें लगता है कि यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वेल दोस्तों, चेहरे पे अनवांटेड हेयर की समस्या जो है बहुत सारे कारणों से होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन वजह से हमारे फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, जैसे कि PCOS, PCOD की वजह से, है ना, इन वजह से, और हार्मोन चेंजेस की वजह से जेनेटिकली भी हमारे फेस के ऊपर अनवांटेड रहते हैं। तो आप कैसे अपने चेहरे के अनवांटेड हेयर को रिमूव करके स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, स्किन को पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम अपनी स्किन के अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम में अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो जो चेहरे के ऊपर बेबी हेयर हैं वो बड़े आराम से ठीक होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रेमेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अनवांटेड हेयर जो हैं स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने से भी आते हैं और फूड सप्लीमेंट की वजह से भी आपके चेहरे पर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ ये बहुत इजी है। इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको आटा लेना है, घर का आटा जो होता है वो आपको चाहिए, क्योंकि वो स्किन के साथ अच्छे से चिपक जाता है और उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपके चेहरे के अनवांटेड हेयर को निकालने में हेल्प करते हैं। और जो बेबी हेयर हैं वो तो वन यूज़ से ही निकल जाते हैं, तो उसके अंदर हम चुटकी भर हल्दी डालने वाले हैं और थोड़ा सा ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध डाल के इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए और आपने इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। जब आपको लगे कि ये 90% सूख गया है तब आपने इसको रगड़ते हुए, जिस तरफ आपके बाल हैं आपने उसकी ऑपोजिट साइड अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है, रब करना है अपनी फिंगर्स से और इससे चेहरे से निकाल देना है। एवरी डे आप इसका यूज़ कीजिए। एक हफ्ता कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करने से आपके बेबी हेयर फर्स्ट टाइम से निकल जाएंगे और स्किन भी पहले से ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे हैं, एलर्जी हो गई है या फिर एक्ने पिंपल्स हैं, वो भी सूख जाएंगे एंड ठीक हो जाएंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो बड़े आराम से निकल जाएंगे और धीरे धीरे करके जो बहुत मोटे बाल हैं वो भी धीरे धीरे करके पतले होना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे एंड टूट जाएंगे। इसे ज़रूर इस्तेमाल में कीजिए अगर आप अपने अनवांटेड हेयर को निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर एंटीसेप्टिक तत्व हैं, एंटी बैक्टीरियल तत्व हैं, जो आपकी स्किन को पहले से ज़्यादा ब्राइट, टाइट एंड बालों से फ्री करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, बिफोर आफ्टर का पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो जिससे आपके स्किन के अनवांटेड हेयर आराम से निकल जाएंगे, आपके जो अपर लिप्स हैं वो बड़े आराम से ठीक हो जाएंगे। आपको अगर हेयर ग्रोथ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस्तेमाल कीजिए, बिफोर आफ्टर का पिक्चर अपने पास ज़रूर संभाल के रखिएगा। इससे आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि आपकी स्किन में भी कितना ज़्यादा आपको क्लियर आपकी हो गई है, स्किन ब्राइट हो गई है, दाग धब्बे झुर्रियाँ खत्म हुई हैं और स्किन के ऊपर जो अनवांटेड हेयर हैं वो भी कैसे खत्म हो गए हैं। तो मिलूंगी अब नई वीडियो और नई होम रेमेडी के साथ। दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।